धन गुरु नानक। धरती ने पुकार की, हे परमात्मा मुझसे वो बोझ सहा नहीं जाता। यहां से बोलिए धन गुरु, हे परमात्मा मुझसे वो बोझ सहा नहीं जाता, कुछ कर। प्यार से बोलिए धन गुरु। परमात्मा ने कहा धरती से किस चीज का बोझ है तुझ पर? पहाड़ों का? तू कहे तो मैं सारे पहाड़ हटा दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु। समुद्र के पानी का? तू कहे तो मैं सारे समुद्र सुखा दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु। वनस्पति का, पेड़ों का? तो मैं पेड़ खत्म कर दूं। अगर जानवरों और इंसानों की तादाद ज्यादा हो गई तो मैं उन्हें कम कर दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु। धरती कहने लगी नहीं, इनका कोई वजन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु। ये सारी बात दास मन से नहीं कह रहे, ये लिखी हुई है भाई गुरुदास जी की वारों में। प्यार से बोलिए धन गुरु। तो परमात्मा ने कहा तू बता किस चीज का बोझ है तुझ पर, मैं उसे हटा दूं। तो धरती ने कहा कि मुझ पर अकीर्त घनों का बोझ है। प्यार से बोलिए धन गुरु। अकीर्त घन, ये ऐसा बोझ है मैं नहीं सहन कर सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु। अकीर्त घन कौन होते? ना शुक्रे, किसी के किए को भूल जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु। जो किसी के एहसान को भूल जाती है, ना शुक्रे, अकीर्त घन। विश्वासघाती, प्यार से बोलिए धन गुरु। अकीर्त घन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में सबसे बुरा से बुरा किसी को कहा गया, इंसान को बुरे से बुरा, गंदी से गंदी गाली देकर तो कहा गया है, बुरे से बुरा, बुरे से भी बुरा अकीर्त घन को कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु। पाचा कहते हैं अकीर्त घन कितना भी नाम जप ले, कितनी भी सेवा कर ले, अगर अकीर्त घन है उसे नरकों में ही जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु। अकीर्त घन की ये सजा। श्रवण कीजिए, धरती पुकार कर रही है परमात्मा से। तब उस वक्त निरंकार ने कहा था अकीर्त घन को अगर सही रास्ते पे लाने तो मुझे खुद ही आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु। फिर हुआ था आप नारायण कला तार जग में परवर्यो, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करो। तब गुरु नानक पाशा कल युग में धरती पर प्रकट हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर्व कीजिए, सर्व पारे पर्वता आसमान कहंदे नात से पारे कोट गड़ करवार दिसंदे नात से पारे सायरा नदवाह बहंदे नात से पारे तरवरा फल सुफल फलंदे नात से पारे जीजन अणगणत फिरंदे पारे कोई अकीर्त घन, अकीर्त घन मंदी हो मंदी। प्यार से बोलिए धन गुरु। क्या कह रही है भाई गुरुदास जी अपने बारे में? धरती कह रही परमात्मा से कि मुझे पर्वतों का वजन नहीं है, इतने सारे घर बने हुए उनका वजन नहीं है, नदियों का समुद्र का वजन नहीं है, तरवरों का वजन नहीं है, जीव जंतुओं का वजन नहीं है,
वजन है अकीर्त गुण का, जो बुरे से भी बुरे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पारे पोई अकीर्त गण, मंदी हूं मंदी। अकीर्त गण कौन? जो किसी के किए को भूल जाए, किसी के एहसान को भूल जाए। महापुरुष कहते थे नेक इंसान की पहचान पता क्या है? कि किसी का छोटे से छोटा एहसान भी नहीं भूलता, और दूसरी पहचान बड़े से बड़ा एहसान करके याद नहीं रखता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा उल्टा है, बड़े से बड़ा एहसान किसी का वो भूल जाते हैं, अपना छोटा सा किया वो भी याद रखते हैं और जताते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अकीर्त घन मंदी हूं मंदे कहा है, बुरे से बुरा इंसान अगर कोई है तो वो अकीर्त घन है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना बुरा है पानी में इसके बारे में इतने विस्तार से बताया सात संगत जी के डर लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बुरा मत मानना, मैं अपने आप को साथ में आपके ले रहा हूँ। 99% हम सब अकीर्त घन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज साबित हो जाएगा, हम हमारे बारे में ही कहा जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बख्शाने का शब्द लिया है। इतना सख्त है ना आज का उपदेश कि पाच्छा बख्श दे। इस शब्द में पंक्तियां हैं, तुम देव हो सब कुछ दया तार, हम अकीर्त घनारे। तू दया करके हमें सब कुछ देता है, दया करके। हमारी किस्मत में नहीं है, तेरी दया से है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम अकीर्त घन है, तेरे किए को तेरे दिए को भूल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाग परे तेरे दान से हो नैचित खसमारी, तूने जो दिया है उसे पकड़ के उसे याद रखते हैं। दात प्यारी विसरे दातार भूल जाता है, देने वाले को भूल जाते हैं, दात को पकड़ के रोते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमसे बड़ा कीर्त घन कोई नहीं है। बख्शाने का शब्द है, मान करो तुझ ऊपर मेरे प्रियतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते हैं, तुम बख्श दे पाचा, हम अकीर्त घन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू बख्श दे क्योंकि हम ही अकीर्त घन है। तुम देव सब कुछ दया था, इतना कुछ दिया है सात संगत जो उसने, अगर आप नोटबुक और पेन लिखकर लेकर लिखने बैठ जाओ, इतना कुछ दिया है। उनमें से एक चीज आप थोड़ा अंदाजा लगा के देखो, तबीयत खराब हो जाए इंसान की, कैंसर ही हो जाए, कुछ ऐसी बीमारी हो जाए, घर बार बिक जाता है इंसान का, घर के घर बिक जाते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती। और अगर ठीक हो जाए तो डॉक्टर को 100 बार थैंक यू बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पैसे अलग से देते हैं। और जिस गुरु ने निरोग शरीर दिया, निरोग एक जब बीमारी नहीं है, कभी दिमाग से कभी वैसा शुक्राना निकला है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंप्लेन ही निकलती है, ये कैसे हो गया, वो क्यों हो गया, शुक्राना। दास हमेशा कहते हैं कभी मन में ऐसा है ना कि गुरु ने दिया क्या है, मेंटली रिटार्डेड सेंटर्स में चले जाओ, जहाँ पे पागल रहते हैं, जहाँ पे अंधे रहते हैं वहाँ चले जाओ, एक बार जाके बैठो वहाँ पे। हमें भी वहाँ बिठाया जा सकता था, गुरु ने हमें सब कुछ दिया, वहाँ बैठो ना, सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन से सिर्फ शुक्राना शुक्राना निकलता है। पाशा तेरा शुक्र है तूने इतना कुछ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाने को तरसते हैं वहाँ पे, पागल जैसी हालत है, दिमाग की नसें हिलती है, हमारी ठीक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हिल जाए ना परिवार ही घर से बाहर निकाल देता है कि पागल हो गया, ले जाओ पागल खाने। हम ना शुक्रे हैं, हम अकीर्त घने हैं, हम ही हैं। ये वाणी हमारे बारे में ही कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो हो गया कि हम तो गुरु की बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया में भी किसी का, बाबा नंद सिंह जी कहते थे किसी का कोई एहसान हो ना, यहाँ तक डिटेल में समझाते थे कि अब कीर्तन या अगर समझो मैं कीर्तन कर रहा हूँ, किसी कीर्तनी की ट्यून कॉपी करके पढ़ रहा हूँ समझो, ठीक है, कहते थे अगर किसी कीर्तनी की ट्यून भी कॉपी करके पढ़ रहे हैं ना तो कभी उसकी बुराई मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे आए तो सर झुका देना, हाथ जोड़ देना, क्योंकि तूने उसकी मेहनत के तू खा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां तक समझाते थे, कहते थे नहीं करेगा तो अकीर्त घन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को किसी भी किसी से कुछ सीखा हो, छोटा मोटा बड़ा कुछ भी सीखा,
जब वो सामने आए, कोई टीचर आए, कोई प्रोफेसर आए, अगर आते ही उसका रिस्पेक्ट नहीं की, अकीर्त घन है, यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन में किसी से कोई गुण लिया हो, जब वो सामने आ जाए सर झुका दो, नहीं तो अकीर्त घिनों में काउंट हो जाएंगे, यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमात्मा की तरफ से तो है ये, दुनियावी तरफ से कितना बोझ उठाएगी धरती, यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है किसी के एहसान को भूल जाना। बादशाह कहते ये नहीं बख्शा जाएगा, पर गोवर्धन देव जी महाराज कह रहे मैं अकीर्त घन हूँ, मुझे बख्श दे, यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई हम भी बख्शा ले साथ साथ में, फिर आगे समझते हैं अकीर्त घन होता कौन है, यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अपराधी जो उसका शुक्राना करना भूल जाए। शुक्राना ऐसा नहीं वाहिगुरु का शुक्र है, शुक्राना भाव अमृत लौट के नाम जपना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे तो लाखों लोग कर देते हैं वाहिगुरु तेरा शुक्र है, असल शुक्र नहीं है ये, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना एक पंक्ति लिखी मिलती बहुत जगह पर स्टिकर लिखा होता है, सुख वेले शुक्राना, सुख वेले तो हर कोई कर लेता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात है दुख में भी जो शुक्राना करे, यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही दुख आया शिकायत शुरू, बड़ा आसान है सुख में शुक्राना करना, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, नहीं दुख आए तो बोलो वाहिगुरु तेरा शुक्र है, यार से बोलिए धन गुरु नानक। करते हैं महापुरुष, महापुरुषों के जीवन यही है, यही सीखने बैठे हैं। महापुरुषों के जांघ पे फोड़ा हो गया, यहाँ पे घुटने के पास बड़ा फोड़ा हो गया, बहुत पस भरी रहती है, और शिष्य जब पस साफ करते हैं डॉक्टर लेके आता है तो वो कहते हैं वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। शिष्य कहने के किस बात का शुक्र कर रहे, इतना बड़ा फोड़ा है, इतने दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा, शुक्राना किस बात का। कहते गुरु नानक को पता था कि मुझसे सहन नहीं होगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अगर मेरे कर्म तो ऐसे कि फोड़ा आंख में हो सकता था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका शुक्राना है कि घुटने पे दिया है, मैं सह सकता हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है शुक्राना। एक्सीडेंट हो जाए, लात टूट जाए, शुक्र किया करो, मौत भी तो हो सकती थी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है शुक्राना, दुख में शुक्राना, सुख में तो हर कोई कर लेता है वो बातों का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी मैं कह रहे हैं जिसनो बिसरे पुरख विदाता, जो परमात्मा को भूल जाए इससे बड़ा कोई ना शुक्रा नहीं। दास ने एक बार दृष्टांत दिया था, बड़ी ध्यान से सुन लो, बड़ा कीमती है, ज्ञान देता है। एक आदमी भीख मांग रहा है, रास्ते पे खड़े भीख मांग रहे, एक बहुत अमीर आदमी वहां से गुजरता है, देख के तरस आता है, कहते हट्टा कट्टा है, काम क्यों नहीं करता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहता है काम मुझे मिल नहीं रहा, मजबूरी में भीख मांग रहा हूं, मुझे अभी काम मिल दे, मिल जाए, मैं अभी भीख मांगने छोड़ दूं। तो बहुत अमीर आदमी कहते हैं कि ठीक है मैं तुझे काम देता हूं। वो चरणों में गिर पड़ा, काम दे रहे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने की काम भी नहीं, छोड़ मैं तुझे अपना पार्टनर ही बना लेता हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो सर चरणों से उठाए ना कि हे प्रभु तुम तो भगवान हो मेरे लिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं तो भीख मांग रहा हूँ, काम भी नहीं दे रहे, नौकरी भी नहीं, सीधा मुझे पार्टनर बना रहे हो। कहने की कौन सा बिजनेस है, क्या कर रहे हैं। उसने बताया मेरा ये बिजनेस है, ये संभाल। तो कहने का मुझे कितना मिलेगा, आपका कितना हिस्सा, 90% आपका, 80% आपका, 20% मेरा, 10%, 5% कितना मेरा। तो बहुत अमीर आदमी कहने का मेरे पास बहुत कुछ है, कमी नहीं किसी चीज़। तो एक काम कर,
सिर्फ 10% मुझे देना, 90% तू रख ले। यार जो बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो इतना खुश हो गया भाई, कमाल का आदमी, 90% मुझे दे रहा है, फैक्ट्री भी इसकी, सब कुछ इसका, खुश हो गया। साल भर इसने काम किया, मेहनत की, कमाया। जब 10% देने का समय आया तो इसके मन में आया भाई इसने किया ही क्या है। यार जो बोलिए धन गुरु नानक। मालिक आया, कहने लगा 10% दे दे मेरा। कहते भाई नुकसान हो गया, फायदा नहीं हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे नहीं मुझे पता है, मैंने हिसाब किताब देखा है, फायदा हुआ है। ऐसे क्यों बोल रहा है कि फायदा नहीं हुआ, 10% तो मांग रहा हूँ, सब कुछ मेरा दिया हुआ, उसमें से 10% तो मांग रहा हूँ। कहने लगे नहीं आपने किया क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारी मेहनत तो मैंने की। सोचो उस मालिक पर क्या बीत रही होगी। आप जरा विचार करके देखो, उस मालिक की जगह अपने आप को रख दो, आप किसी को ऐसे दो, उसके बाद आप उससे 10% मांगो, वो नहीं दे तो आपके मन से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा आपके मन से कि क्यों मैंने ऐसे आदमी पर तरस किया, क्यों मैंने इसे मौका दिया। हम हैं वो गरीब आदमी, वो अमीर है परमात्मा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने हमें धरती पे भेजा, हम कहते तूने सिर्फ भेजा ही तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ दिया, शरीर दिया, बिजनेस दिया, घर परिवार, हर चीज दी, सिर्फ 10% मांगता है वो अमृत लौट के 2.5 घंटे दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल 10% 24 घंटे में से कि सिमरन कर ले, नाम जप ले। हम कहते हैं क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तूने दिया ही क्या जो हम अमृत ले उठे। उल्टा कहते कि अमृत ले उठेंगे तो क्या मिलेगा, अरे इतना कुछ मिला है उसका शुक्राना है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लालच देनी पड़ती है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उठो। अकीर्तिगण है, हमसे बड़ा कीर्तिगण कोई नहीं है। ये हमें हमें कहा जा रहा है, धरती कह रही है हमें उठा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।